जय हिंद। मैं ओम वीर गुरायण भाई गोल्डी मंत्रा से। तो आज मैं दिखाऊंगा अपने जो करनाल से बाहर जाने वाले लोग हैं उनकी भीड़ कितनी लगी हुई है। और पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग की हुई थी वहां पर, तो वो करवा दी है। अब इनको फार्म दे के इनको वापस भेजा जा रहा है। तो अब मैं इनको दिखाऊंगा भाई, चलो चलते हैं। घूम रहे हैं तो ये सर क्या व्यवस्था की है सरकार द्वारा, एक बार बताएंगे जरा। ये हमारे मैडम स्टेट अफसर को नोडल अधिकारी बनाया जो बाहर जाना है जिन्होंने जी। उन लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आदमी का मेंबर आए, उनको ये हमने समझा दिया, उनको बता दिया कि ऐसे बनाना आपने हाँ। ये फार्म नहीं है, हमने इनको वैसे मजबूर बना के दिया ताकि ये घर पे बैठ के भी आराम से भर ले, इनको कोई दिक्कत ना होए हाँ। असुविधा ना होए। और हम इनको भेज रहे हैं अभी फार्म लेके घर से 7 से 8 बजे तक, ताकि भीड़ ना करे हाँ। डिस्टेंस बना के रखें। जो हमारे इसमें फार्म भरने के लिए हमारी कोशिश यही है कि एकदम से ज्यादा आ गए हैं, अब इनको पता नहीं था, अभी फार्म दे के भेज देंगे। 7 बजे तक कोई भी दफ्तर में आके दे देगा, यहाँ 7 बजे तक कर्मचारी बैठे होते हैं। इनको आप किस साधन से ले जा रहे हैं, ट्रेन से ले जा रहे हैं या बस से ले जा रहे हैं? ये जैसे हमें सूत्रों से पता लगा कि अम्बाला से कोई ट्रेन का प्रबंध किया जाएगा, अभी क्लियर नहीं हो तो डीसी साहब भी बता पाएंगे इस बारे में। तो हमने तो इनके ये फार्म ले लेने हैं और इनको ऑनलाइन फीड कर देना है, तो आगे से आदेश होंगे, आगे से आदेश जैसे भी होंगे वो आगे डीसी साहब करेंगे। जो क्या सर इनका कोई किराया वगैरह लिया जाएगा? ये डीसी साहब ही बता पाएंगे, हमारे को तो इतनी ड्यूटी लगी है कि इनके सब आते हैं, इनके फार्म लो, इसका कोई चार्जेज नहीं है, यहाँ भरने का या कोई इसका कोई चार्जेज नहीं, हम फ्री में दे रहे हैं इनको। ये जो व्यवस्था है ये आज के लिए है या कल भी रहेगी? ये कल भी है, अभी तो जब तक कोई हमारे को नया आदेश नहीं मिलते हैं इतना हम लेते रहेंगे, जिस दिन कहेंगे बंद कर दो हम बंद कर देंगे। तो ये जो फार्म भर रहे हैं तो हुड्डा ग्राउंड में, जैसे हुड्डा ऑफिस है करनाल का सेक्टर 12 में, ये यही पे व्यवस्था है या कहीं और भी भर रहे हैं फार्म? कोई भी अपनी 2-3 साइट है, डीसी साहब बार बार जो बता रहे हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, हमने बाहर भी लगाई हुई है हाँ। वो जो अगर कर सकना चाहते हैं, जो जानते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फार्म भर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, जिसको कोई दिक्कत है तो हम दे रहे हैं उनका, हम भर रहे हैं। ठीक है जी। और डिस्टेंस के लिए हमको बार बार कहा जा रहा है कि डिस्टेंस जरूर बनाएं, पूरा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करवाया भाई सब क्या थे यहाँ। और बहुत बाहर दूर दूर के यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हैं, खड़ा तो हो ही गया था, तो देख ले भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग और पहले इनके सैनिटाइजर करवा दिया हाथों से। तो ये स्टेट ऑफिस करनाल के दर्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जो कि करनाल से बाहर जाएंगे उनको लाने और ले जाने के लिए। यहाँ करनाल से किसी को जाना हो या करनाल में किसी को आना हो तो उसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। और ये यहाँ पर लोग अपने जो इनको फॉर्म दिया गया वो भर रहे हैं, डिटेल जो इनको चाहिए तो देख लो भाई। हेलो और भाई जी, क्या हाल है? जिसको भी जानकारी चाहिए भाई, गेट के बाहर पर्चा लग रहा है और उस पर पूरी जानकारी दी हुई है, तो वो अपना नोट करें और उस पर अपना सर्च करें भाई। कितनी लंबी लाइन लग रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अरे अभी तो सवेरे सवेरे का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी। कल भी यहाँ पुलिस वाले ने आके संभालने पड़े थे, इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ भी कल। ठीक है भाई जी, अपडेट देते रहेंगे आपको, देखते रहिए गोल्डी मंत्रा का। तो भाई लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी ही अधिक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी और देते रहेंगे जो भी अपडेट होगा। जाना है तो यहाँ स्टेट ऑफिसर को यहाँ का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया करनाल का। तो ये देखो सोशल डिस्टेंसिंग लोग करे हुए हैं, फासला रखिए, पीछे जाइए, फासला रखिए, फासला रखो बीच में। और भाई हमारे कोरोना योद्धा जो वो पूरा खिंचाई कर रखी है, अपना लाइन बना कर लग रहे हैं ये सारे। कहाँ जाना है? उत्तर प्रदेश जाना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सहरसा जिला, बिहार सिवान जिला, यूपी। बोलते रहो भाई, जाना है बेगूसराय, बेगूसराय आगे हाँ, यूपी, बेगूसराय। बोलते रहो, ये देख लो भाई कहाँ किसको जाना है, बेगूसराय, 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 बिहार।
ये बेगूसराय क्या भाई? बिहार का। बिहार जिला बताते रहो अपना जिला। बिहार अररिया जिला। कटिहार सर। कटिहार। समस्तीपुर। कौन सा जिला? समस्तीपुर जिला। बेगूसराय। पटना जिला। हैं? पटना जिला। समस्तीपुर। समस्तीपुर एक जना खड़े हो जाओ। आजमगढ़। जिला जिला सहरसा। सहरसा। बिहार यूपी कहाँ? बिहार। बेगूसराय भाई। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है फार्म में कैसे लिए जा रहे हैं। ये फार्म आपने अलग भरकर ले साबित करते भी निकल जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और एक ही फार्म पे आप इस पे इकट्ठे चाहे पांच बिहार उत्तर प्रदेश बंगाल कहीं का भी, कोई जरूरी नहीं है। एक ही एक फार्म है, किसी भी मेंबर को फार्म है। कोशिश करो फैमिली का पहले लाइन में पड़े ताकि आपकी आई वहाँ से या देख लो भाई, जो जिन्हें अपने घर जाना है, जो रोड में फंस रहे हैं, वो यहाँ पर भीड़ पूरी हो रही है। और अभी पब्लिक आने लग रही है बाहर से, ये देखो बाहर क्या दर्श है। तो बताने लग रहे हैं कितने टाइम में कितने बजे तक यहाँ खुलेगा और कितने बजे तक फार्म लिया जाएगा। लाइनें शुरू हो गए और ये लाइनें शुरू हो गई हैं चलनी। तो भाई पहले भी मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो एक जनसहायक ऐप है उस पर भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और जो पहले वीडियो बन चुकी है उसमें भी जो लिंक दिया हुआ है उस पर भी आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसको ऑनलाइन कराना आता है। और जिसको नहीं आता भाई वो यहाँ पर अपना फार्म भरकर जमा भी करा सकते हैं, उनके लिए ये भी सुविधा सरकार ने दी हुई है। तो यही जानकारी है भाई आज की वीडियो में। तो आगे कुछ नया अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको गोल्डी मंत्रा के माध्यम से दी जाएगी। तो आप देखते रहिए गोल्डी मंत्रा।